शैली की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। इस वक्त की खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। नागरिकता संशोधन बिल के पास होते हुए आपको बता चले कि इसका असर देखने को मिला है। जी आपको बता चले कि मुजफ्फरनगर में सीवन लाइन्स थाना क्षेत्र में गंगा नहर कॉलोनी में जहां पर आपको बता चले बिल को लेकर दिवाली और होली जैसे माहौल है। लोगों में इस बिल को लेकर इतनी खुशी इसलिए है क्योंकि 44 साल पहले पाकिस्तान छोड़कर भारत में उत्तर प्रदेश में जन्म मुजफ्फरनगर आए अमरनाथ परिवार को आज भारत प्रदेश में नागरिकता मिली है। इसलिए अब स्वभाव की बात है क्योंकि मोदी सरकार ने उन आपको पता चले शरणार्थियों के लिए बिल के पास करवाए तो भारत आना तो चाहते थे लेकिन उन्हें यह आने नहीं दिया जाता था। लोग किसी अन्य मजबूरी के चलते यहां पर नहीं आने के साथ ही अमरनाथ अपने परिवार को लेकर पाकिस्तान से यहां आ जाते, उन्हें यहां नागरिकता और उनके अधिकार नहीं मिल पाते थे। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज आने के लिए खास रिपोर्ट पवन अग्रवाल की मुजफ्फरनगर से। में चार परिवार जो पाकिस्तान से शरणार्थी होकर 1981 में भारत के अंदर आए थे, उन लोगों से हमारे केंद्रीय मंत्री संजीव बानियान जी, उमेश जी, प्रमोद उंटवाल जी और हमारे विजय कश्यप जी, सब लोगों ने मुलाकात की, उनके दर्द को और कष्ट को समझने की कोशिश की। कैसा उनका दर्द है, एक व्यक्ति ने बताया कि उनकी माँ को उस समय वहीं पर रख लिया गया, उसको मुस्लिम बना दिया गया, उसकी बहन को भी वहीं पर रख करके उसी मुस्लिमों ने उसका अपहरण करके उसे शादी कर ली, उसके चार बच्चे हैं, उससे मिलने की परमिशन हमारी नहीं है। यानी कैसा आताताई जैसा व्यवहार उस समय लोगों के साथ किया गया। उन परिवारों ने अपना कष्ट यहाँ पर आके बताया, उनको ने समझा, देखा, सुना। और इसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ आतंक का माहौल बनाना चाह रहे हैं, जो लगातार प्रदेश की और देश की फिजा को स्थिर करना चाहते हैं, उनको ये बात समझ में आना चाहिए कि नागरिकता संशोधन कानून ये किसी के विपक्ष में नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है, ये हर प्रकार से जो भी देश के अंदर नागरिक रह रहा है उनके विरोध में नहीं है, बल्कि उन लोगों को नागरिकता देने का अधिकार है जो लोग शरणार्थी होकर के भारत के अंदर आए, और जो 1914 से पहले यहाँ पर आए हैं उनको नागरिकता मिलेगी। तो ये किसी प्रकार का उपद्रव जो शांति फैलाना चाहते हैं, कोई असामाजिक तत्व जो किसी मोटिवेटेड है फिर लगातार इस काम कर रहे हैं, प्रशासन और शासन ऐसे किसी उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार की तरफ से किस तरह की सहूलियत और सहायता मिलेगी इन लोगों को? पूरी जो कानून के अंदर है उनको नागरिकता मिलेगी, और नागरिकता मिलते के साथ ही जो देश के किसी भी नागरिक को सुविधा है वो सारी इनको मिलेगी। जो पाकिस्तान में इनका परिवार रह रहा है उसके लिए कुछ करेगी सरकार? इनका परिवार नहीं है लेकिन और लोग हैं वहाँ पर, पर अब तो फिलहाल जो व्यवस्था हुई है जो 2014 से पहले यहाँ पर आ गए हैं उनके लिए कानून बना है, आगे की जैसी व्यवस्था होगी वो सरकार ने न करे। आज अखिलेश यादव ने किससे किया, इसी ने उन्होंने बीजेपी को सीधा कहा कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। सब देख रहे हैं कि अखिलेश यादव के साथ कौन लोग हैं और कौन उपद्रव कर रहे हैं, कौन किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, ये पता नहीं, आवश्यकता नहीं है। अखिलेश में परिवार आए थे, चार लोग हैं, चार परिवार हैं जो मुजफ्फरनगर रह रहे हैं, 40 साल हो चुके थे, आज तक नागरिकता नहीं मिली थी। चार परिवार और हैं, दो परिवार जानसठ में बांग्लादेश से आए हुए हिंदू परिवार हैं, दो परिवार मीरापुर में रहते हैं, टोटल 8 परिवार हैं जनपद मुजफ्फरनगर में, जो 40 साल से करीब नागरिकता ना मिलने के कारण कोई भी सुविधाएं नहीं मिल सकती, ना नौकरी, ना बच्चों की शिक्षा, ना कोई सरकारी सुविधा, ना वोट का अधिकार, ना कोई अधिकार। नरेंद्र मोदी जी ने इनको अधिकार दिया है तो आज इन परिवारों से हम सब, माननीय कपिल देव अग्रवाल जी मंत्री, माननीय विजय कश्यप जी मंत्री, उमेश मलिक जी, प्रमोद उंटवाल जी विधायक, तो हम सबका मन था कि इन परिवारों से एक बार मिलें, इन परिवारों से मिले, कोई इन्हें समस्या हो आगे भविष्य में इन्हें शुभकामनाएं दी हैं नागरिकता की, और कोई समस्या है तो आगे भविष्य में हम क्या काम आ सकते हैं। बात यही है कि किसी का कोई नुकसान नहीं, और जो परिवार 40 साल से भटक रहे थे उनका फ़ायदा। फिर भी कौन सी राजनीति है, कौन सा स्वार्थ है कि पूरे प्रदेश को, पूरे जनपद को जलाया जा रहा है, एक तरह से दंगे करवाने की साजिश रची गई, वो कौन लोग हैं जिनका कोई नुकसान नहीं है और फ़ायदा इनका है जो 40 साल से बेसहारा थे, एक तरह से आप कह सकते हैं। जो परसों कार्रवाई हुई है, लोगों ने बवाल किया है, देखिए नियंत्रित कर लिया गया, कोई बहुत बड़ा नुकसान एक तरह से कह सकते हैं नहीं हुआ। अब तो दोषियों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके कार्रवाई होगी, और जो नुकसान हुआ है उनकी भरपाई भी दोषियों से कराई जाएगी। मुजफ्फरनगर में सख्त कार्रवाई होगी, इस तरह का एक मैसेज जाएगा। 2013 के बाद पहली बार प्रयास किया शहर की फिजा बिगाड़ने का, ऐसा प्रयास रहेगा कि आगे कोई ऐसी हिम्मत ना कर पाए दोबारा शहर की फिजा बिगाड़ने की सोच भी सके। मुझे तो लगता है कुछ समाज सेवियों के चोले में और कुछ इस तरह से आगे पीछे घूमने वालों के चोले में कोई साजिश तो है। जिस तरह से दुकानें बंद रही है एक समुदाय विशेष की, सुबह से ही किसने उन्हें बताया कि दुकानें बंद है, कोई ना कोई साजिश जरूर है। कुछ चेहरे ऐसे हैं सफ़ेद पोश चेहरे, मुझे लगता है कोई ना कोई जरूर ऐसा है जो इसके 1979 में पाकिस्तान में प्रताड़ित होने के बाद कुछ परिवार यहाँ मुजफ्फरनगर आ गए, उन्होंने बताया उनकी माता जी को, उनकी बहन को
वहाँ मुस्लिमों के द्वारा अगवा कर लिया गया और उसके बाद उन्हें उनसे मिलने भी नहीं दिया गया, उन्हें कह दिया गया, उन्होंने तो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। जबरदस्ती उन्हें प्रताड़ित करने के बाद वहाँ से भगाया गया, उन्हें कहा गया यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मार दिए जाओगे। ऐसे में वो अपनी जान बचाने के लिए हिंदुस्तान आ गए और 1979 लगभग 40 साल होने को हैं अभी तक वो बिना यहाँ की नागरिकता ही थे और ये संविधान संशोधन जो कानून लागू हुआ है इसके अंतर्गत उन्हें अब नागरिकता मिल जाएगी। आज वो इसीलिए हमारे पास आए थे, हमने बुलाया था उन्हें, भाई उनकी और भी अन्य कोई समस्या हो तो हमें बताएं, उसमें उनका सहयोग करेंगे। और उनकी पीड़ा हमने सुनी, हम सब थे, माननीय संजीव बालियान जी, माननीय कपिल देव जी, माननीय उमेश मलिक जी, माननीय प्रमोद उंटवाल जी, विधायक जी, हम सब लोग थे एक साथ, हम सब ने उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें आगे भविष्य में उनकी कोई समस्या हो तो उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। परसों के बवाल में क्या कहना चाहते हैं मंत्री जी? परसों का बवाल पूरे प्रदेश में ही जो असामाजिक तत्व हैं उन्होंने बहुत साजिश के तहत पूरे प्रदेश में दंगा कराने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने बड़ी सूझबूझ से मुजफ्फरनगर को बचा और ऐसे लोगों को अब चिन्हित कर गए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, प्रशासन इसमें लगा है और निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी उनसे ही की जाएगी। आर्थिक नुकसान जो है, प्रशासन ने इससे पहले शांति मीटिंग भी करी है, मीटिंग भी ली है, उसका भी कुछ फायदा नहीं मिल पाया पुलिस प्रशासन, फिर दोबारा से मीटिंग करने वाला है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पब्लिक को बहकाया है और वो सब लोग चिन्हित किया रहे, उन्होंने प्रदेश में विघटनकारी का पूरी जानकारी बताई। पाकिस्तान से 79 में आए थे, 40 साल हो गए। क्यों आए? और जो जो हमारे साथ हुआ था वो भगवान किसी के साथ भी ना कराए, मेरी माँ को ज़बरदस्ती घर से उठा के ले गए थे और उसको मतलब मुसलमान कर दिया था, साथ में मेरी बहन भी छोटी थी 12-13 साल की थी उसको भी ले गए थे। कितने परिवार में सदस्य थे आपके? हम 4 भाई थे और एक हमारी बहन थी। बहन और माँ को आपको? बहन अब भी जिंदा है, 40 साल से ऊपर हो गए, कोई बात नहीं हुई हमारी उसके साथ। आपकी माँ के साथ किस किस तरह के अत्याचार हुए पाकिस्तान में बहनों के साथ, वहाँ पर कैसे अत्याचार करते थे क्या? वो ऐसे थे कि पहले पड़ोसी को चला आना जाना तो लगा रहता है, जैसे हम यहाँ भी तो पड़ोसी के साथ आते जाते हैं बोलते हैं, तो पड़ोसियों में कोई उसने ऐसी शरारत करी कि 4-5 जो लोगों को बुलाया घर से उठा के ले गए और बंदूक के नोक से उसे कह दिया कि आप इस्लाम धर्म को कबूल कर दो। और लड़की को तो पता नहीं था, वो गई माँ को बुलाने के लिए चली गई तो उसको भी बैठा दिया और फिर बाद में कह दिया कि आप जो लड़के हैं चारों अब इनको भी बुलाना और इसकी जो घर वाला है उसको भी बुला लेना। तो फिर हमें पता चल गया, फिर हमने अपने रिश्तेदारों को कहा, वहाँ पुलिस कंप्लेंट भी लिखाई पर किसी ने भी हमारी नहीं सुनी। और माँ ने कहा कि पंजाबी में कहा कि आप यहाँ से निकल जाओ, पासपोर्ट बना लो, ये लोग आपको मार देंगे और मुसलमान कर देंगे। मैं तो फंस चुका, मैं सर उस टाइम 20 साल का था, समय हो गया ये आते हुए 40 साल हो गया, मैं 79 में आते हैं ना, 79 सर्वट गेट में 152 में ना, 3 बार मैंने अप्लाई करी थी, 20 साल पहले, 5 साल पहले और 1 साल पहले, तीनों बार करी है पर तीनों बार नहीं हुई। इन्होंने हमारे बहुत कोशिश करी थी जो जिस जगह पे हमारी फाइल है पर मिली नहीं है सर। क्या कारण रहा? ये तो सर इनको पता होगा क्यों नहीं मिली, हम तो ये इस बार तो चल मुजफ्फरनगर से एक पेपर गए थे, अब आगे से वहाँ पे से क्यों रुकावट आ रही है ये नहीं पता। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।